गबेल सरपंच पिछले दो पंचवर्षीय कार्यकाल पर है, जिसमें सरपंच पद पर रहते हुए भारी अनियमितता की गई है। सचिव चंद्र कुमार कश्यप ने अनियमितता की है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए। 13वें वित्त, 14वें वित्त वर्ष और 15वें वित्त के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की मांग उठी गई, जिसमें नाली निर्माण और सीसी रोड निर्माण का कार्य भी हुआ है, जिसमें भारी अनियमितता भी पाई गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। सरपंच द्वारा पंचायत में ग्राम बैठक नहीं की जाती है, ना ही उप सरपंच और पंचगणों की बैठक होती है, ना प्रस्ताव किया जाता है, उसे बताया तक नहीं जाता, बल्कि फर्जी ढंग से बिल पास करा लिया जाता है। ग्राम पंचायत में सचिव आज तक आए ही नहीं, मुख्यालय में नहीं बैठते हैं, जिससे ग्राम पंचायत के कार्यों और ग्रामीणों की समस्या के लिए सचिव के कारण भटकना पड़ता है। सरपंच और सचिव द्वारा बिना निर्माण कार्य कराए बिल पास कर गबन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बिजा तराई आश्रित ग्राम भूमिया पारा के हितग्राहियों को मनरेगा के तहत कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों द्वारा इस पूरे मामले में आवाज उठाई जाती है तो सरपंच उन्हें डरा धमकाकर अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है, मारपीट करता है और जान से मारने की धमकी तक दे देता है। सरपंच का कहना है कि ग्राम भूमियापारा से उसे वोट नहीं दिया गया, इस कारण भूमियापारा के ग्रामीणों को कार्य से वंचित रहना होगा और उन लोगों का काम वो नहीं करेगा। अब ग्राम पंचायत बिजात राई आश्रित ग्राम भूमियापारा के ग्रामीणों का कहना है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, उचित कार्यवाही होनी चाहिए और शासन प्रशासन को उनकी मांगे सुननी चाहिए। सरपंच को उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है, उस पर प्रशासन से मांग की है कि वो ध्यान दे। भूमियापारा की किस प्रकार से शासन प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं, जांच के दौरान उनको क्या चीज़ें मिलती है और मिलने पर क्या कार्यवाही की जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हमला पानी भरे में बहुत तकलीफ जाते हैं और ये सड़क ल बनवाए जाए कि जनता मन भी रेंग सकें इस सड़क में, और जनता मन रेंगत है तब पूरा पैर वैर फिसल के पूरा अनकी वो गिर जाते हैं, और गिरे के बाद किसी के में भी राख देते हैं और खून आ जाते हैं और किसी के में भी गोड़ टूट जाते हैं, आहे रेंगने में और आने जाने में भी दिक्कत जाता है। आपके नाम का है, आपके समस्या का है? पानी चिखला पानी समस्या है सर, और पानी भरता है तो चिखले चिखला होता है। आपके का समस्या है? आप घर का समस्या है, सामुदायिक भवन में हो, घर आवास वास कुछ नहीं है। कितना देर हो गया यहाँ रहा आप? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। एकर पहले आवास वास बार कुछ फॉर्म वाम डाले रहे? फॉर्म डला है लेकिन आ हुआ कुछ नहीं। मतलब गरीब का आपका कोई पहचान नहीं रहे ऊपर वाले? नहीं कुछ नहीं। पंचायत प्रस्ताव वगैरह दिए थे आप? हाँ। सचिव आते हैं पंचायत की? नहीं आते। नहीं आते हैं, 10 साल हो गया बैठक नहीं हुआ है। क्या नाम है सचिव? क्या नाम है सचिव? सचिव के नाम तो नहीं बताओगे? सचिव के का नाम हुआ आपके पंचायत? चंद्र कुमार कश्यप। तो यहाँ बैठक वैठक होते नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, 10 साल हो गए बैठक के नाम ही नहीं। कुमार साहू। आप पंचायत में कहा? पंचपति। तो का समस्या है पंच साहब आपके गाँव में? हमारे गाँव में सारे समस्या है, सबसे पहली गली की समस्या है, रोड के, जेमा कभी कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस आज जाए की सुविधा नहीं है, आज तक मिट्टी मुरुम नहीं लले, और एक शिकायत हम कई बार कर चुके हैं जनपद पंचायत जिला पंचायत यहाँ तक कलेक्टर ऑफिस तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक एक कोई निराकरण नहीं हो। का चाहत हो आप? मन का चाहत हो? हमन यही चाहत हन कि कलेक्टर द्वारा पूरा निष्पक्ष रूप से पूरा पंचायत की दोनों गाँव की जाँच होना चाहिए। ऐसे बहुत सारा आप मन के गाँव में समस्या है, तो कुछ ऐसे समस्या हुआ जिला अवगत करावा दिखावा लोगों ने बतावा आपने? अभी सामने में हमारी यही समस्या है कि गली ले देख सकत हो कि बर्फ पानी जहाँ गिरी तहाँ में पैदल जाए पर मुश्किल है, और यहाँ से और आगे बीजा भाटा के लिए आते जाते हैं, बीच में पानी गिरने के बाद कोई रेंगने में बहुत बड़ी समस्या होती है। ये कहाँ कौन सा गांव में ज्वाइंट हुआ जाके? ये ग्राम बीजा भाटा। मन के नाम मैं ग्राम पंचायत बीजा तराई के उप सरपंच हूँ।
ग्राम विकास कार्य के लिए पैसा स्वीकृत हुए है, लेकिन कोई भी काम अभी तक के पूर्ण नहीं हुए। ओखर लिए कलेक्टर में हम ज्ञापन सौंपे आए। आका इसे पैसा स्वीकृति हो नाम से नाली है, सीसी रोड है, मतलब पिचिंग के कार्य है, ऐसे अनेक कार्य है जो वहाँ नहीं हुए और पैसा निकल चुके हैं। ओखर जांच करे जाए, एखर नाम लेके हम आए। महेश कुमार बंजारे भैया, आपके काका इसे समस्या जी समस्या अवगत कराऊँ भैया। पूर्व सरपंच रही भुवनेश्वर बंजारे, ओखर कार्यकाल में रोड बने रही से आज दो पंचवर्षीय हो गए। मनोहर गबेल, आंजन भाई गबेल सरपंच है, आज तक रोड बने हैं, पूर्व सरपंच के कार्यकाल में बने हैं और रोड जर्जर हो गए, देख रोड ला। और पानी निकास के जगह नहीं है, अतका बड़े जगह है, आइट साइड में भी अगर नाली बनवाती पानी निकलती तो सबके आना जाना सुविधा सब बढ़िया रहती, जगह जगह में पानी भरे है, देख भैया रोड ला देख। बच्चा स्कूल जाते आते दिक्कत, इतना दिक्कत के दे में वो दिन बच्चा गिरी तो हाथे टूट गए। ऐसे ऐसे समस्या है, सरपंच लोग बोलथन तो जाओ भूमिया पारा से मेरे को वोट नहीं मिला है, क्या उखाड़ लोगे, मेरा है ही नहीं है वो पंचायत, और शिकायत करने जाते तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ऐसा बोलता है भैया। कहीं भी शिकायत कर लो, सब अपना है जनपद कलेक्ट्रेट में बोलता है। चाचा आप, हाँ आपके नाम का है गणेश, आप कहाँ से हैं? भूमिया पारा। कौन से पंचायत है? विजय तराई। आपके गांव में काका इसे समस्या जो समस्या लेकर के आप मन हमला बुलाए? अब समस्या यही साहब, हमला बरसात लगी तो माने हमारे रेंगा भराम है, बहुत मुश्किल से हमन घर जाथन। अच्छा, हाँ तो ये सीसी रोड पर ऐसे कोई दो पंचवर्षीय हो गए के गुजरे चाहते थे। हाँ। अभी कोई काम एमा कहबे तो कोई सुनाई च नहीं करे, एला पैसा निकाल के खा ले हमन और कुछ करे के नामे ध्यान ही नहीं है, मुर्मी तक के नहीं डलावे। कौन खाए पैसा? सरपंच खा है, कौन खा है साहब? मनोहर, पूरा नाम का ले, अंजन पूरा नाम अंजन भाई का बेल कैठो। इसना आप मन के गांव में जिन कार्य रुके हुए? अब हमारे यहाँ तो पूरा मतलब चारों पांचों ठीक गली अलग रुके साहब, खार जाए बार तो पूरा पैसा निकाल के पूरा दो पैट खा डरी नो रहा, अब माटी तक के नहीं डले और रोड के, अब अभी भी वही हालत में हम खार जाथन, अब गाँव के फिर गाँव के हिसाब अलग है। हाँ कोई भी चीज वरना हम ऐसे हो जाते कि हम कहाँ निकली, ए हो जाते साहब। हाँ।